आज हम बात करेंगे हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और स्टीम, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टीम क्या होता है? किसी भी काम को ईमानदारी से करना और सही ढंग से करना, वो थी स्टीम। कॉन्फिडेंस होता है किसी भी काम को करने का जज्बा। अब सब लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, उस बंदे में इतनी ज्यादा स्टीम है कि कभी बेईमानी नहीं करनी। मैच भले मैच हार जाए पर बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करके मैच नहीं जीतना। उस बंदे की स्टीम बहुत ज्यादा है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो लोग उस आदमी को देखते हैं जिसकी स्टीम एक हाई होती है, उसका एक मिसाल बन जाता है कि ये आदमी ईमानदारी से कर रहा है। तो जब कभी भी कंफ्यूजन होता ना, तो उस आदमी की तरफ देखते हैं, तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला, पैशन। कुछ लोग क्या होता है कि कभी भी अपने काम के लिए पैशनेट नहीं होते हैं। जो काम से उनको रिजल्ट मिलता है, जो काम करके उनको सैलरी मिलती है, उसके लिए वो काम करते हैं। उनको बैठ के 5 साल 10 साल काम नहीं करना, जो उनको पैसा मिल रहा है उसके लिए उनको काम करना है। तो वो कभी काम के लिए पैशनेट नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट मिलता है, मनी, सैलरी, काम करके, उसके लिए वो काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिजल्ट के लिए इतना ही करते हैं, काम में इन्वॉल्व होते हैं, पूरा काम को समझते हैं और इन्वॉल्व होकर ईमानदारी से काम करते हैं। भले हो सकता है रिजल्ट कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, पर वो जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे काम में, उतना ज्यादा उस काम में उनको मास्टरी होगी। तो आज उनको कम है, पर आने वाले दिनों में वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज है तो इसमें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी दो तरीके से होती है, एक राइट वे, एक रॉन्ग वे। रॉन्ग वे में क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। हमें वहां से सीखना चाहिए कि जो हमसे ऊपर है, हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि हमसे नीचे, उनसे सीखने में क्या फायदा। अगर हम जो हमसे डाउनग्रेड में है, हम उनसे सीख रहे कि ये काम कैसे करना है, जो अभी इस काम में नहीं है, जिनको ये काम आता नहीं है, तो वो रॉन्ग वे हो गया प्रैक्टिस का। दूसरा राइट वे होता है, हम उनसे सीख रहे जो हमसे ऊपर है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज्यादा टाइम हो गया, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, और हम उनसे सीखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और एक तरीका शटन वे मिलता है हमको कि किस प्रकार से काम को किया जाएगा। जब प्रैक्टिस सही वे में होती है तो रिजल्ट की इतनी फिक्र नहीं होती। आप प्रैक्टिस कीजिए तो रिजल्ट के लिए इतना नहीं सोचते, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है और सही ढंग से करता है, उसको पता है आज रिजल्ट नहीं तो कल रिजल्ट 100% मिलेगा। हम बात कर लेते हैं क्रिकेट में, जो फिलहाल सूर्य कुमार यादव है, बहुत लेट डेब्यू हुआ उनका, पर उन्होंने इस चीज को कभी भी बंद नहीं किया। उन्होंने सही ढंग से, सही वे में प्रैक्टिस किया, उनको रिजल्ट भले लेट मिला हो, पर रिजल्ट 100% उनको मिला। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि प्रैक्टिस करना और सही ढंग से करना।
गलत वे में नहीं कि हमसे जो डाउनग्रेड पे है, जिनको कुछ आता नहीं, हम उनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कुछ नया करने के, जो हमसे ज्यादा मास्टर है, जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। इसमें तीसरी चीज होती है पेशेंस, धैर्य। हम काम कर रहे हैं पूरा एकदम शिद्दत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं, उसके साथ हमें जरूरी है धैर्य रखना। कुछ लोग काम करते हैं सही ढंग से करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं, पर वो धैर्य नहीं रख पाते हैं तो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता, फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है एकदम से। तो इस चीज में सबसे जरूरी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पेशेंस होएगा आपको, आप काम कर रहे सही ढंग से कर रहे, ईमानदारी से कर रहे, तो आपको रिजल्ट भले लेट मिले पर रिजल्ट 100% मिलेगा। कुछ लोगों को वो लगता है कि पेशेंस ना सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं है। पेशेंस, आप जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपका पेशेंस खोते ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है।